कहना चाहेंगे तू राजी रहे जिस तरह का रीजनल सिनेमा बेंगलुरु ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं? वेल हमारा थी गुजराती पिक्चरों ने इतना बड़ा प्रेम मिली रहे हो जितना बॉलीवुड ने पण नहीं मिली रहे हो, तो बहुत खुश छू के लोग गुजराती पिक्चर जोवा जाए छे अने तू राजी रहे एक अलग कंसेप्ट नी फिल्म छे, एक नवी फिल्म छे, तो हूँ बस दर्शकों ने एटलू ज रिक्वेस्ट करीश के जोवा जाए तमारा नजीकना सिनेमाघरों में। क्योंकि ट्रेलर से जितना हमें पता चला है कि बहुत ही फैमिली फिल्म है और एक स्ट्रगल की कहानी है जो बीमार पड़ता है लड़का और उसको लेके जो स्ट्रगल होती है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तमारा सॉन्ग सांभळशो ए पण बहुत मस्त है, अनेक नवे कंसेप्ट साथे आवी रह्या छे अमारा डिरेक्टर हार्दिक भाई, तो इट्स अबाउट कैंसर अने बहुज अलग रीते दर्शावामां आवी रही छे आ वार्ता, तो जरूर थी जोजो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सबको बहुत पसंद आया है एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म राइट नाउ। मैंने 2016 में हार्दिक भाई को कहा कि राजी रह जे, आई एम डूइंग दिस फिल्म ऐसा, बिकॉज मुझे स्टोरी इसकी बहुत पसंद आई थी, कुछ अलग था, इट्स नॉट लाइक क्लीशे कॉमेडी है या फोर्सफुल कॉमेडी है, इसमें जिन लोगों को कास्ट किया है बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को कास्ट किया गया है, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वर्क विद देम ऑल्सो, स्पेशली दिव्यांग अनंत भाई एंड एवरी वन। हाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा उनके साथ सीन नहीं था, बट आई एम रियली प्रिविलेज कि मुझे एक ऐसी फिल्म में एक रोल मिला जहाँ पे वो भी है, सो आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ तारक मेहता एंड इज मैनी वर्क, सो इवन आई वॉन्ट टू सी हिज रोल बिकॉज आई हैवन सीन इट येट। द फिल्म इज़ नॉट अबाउट रोमांस पर्टिकुलरली, इट्स अबाउट कैंसर, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ दिव्यांग, उनकी पूरी जर्नी है कैसे वो इसमें से बाहर आएंगे, क्या मोटिवेशन मिल रहा है उनको, वो क्या मोटिवेशन देंगे सबको, सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी और एंड में एक आपको बहुत अच्छा सा मैसेज भी मिलने वाला है। I'm just that love part जो दिव्यांग का है, but वो character भी बहुत अलग है, बहुत cute character है, क्योंकि मैंने जब पहली बार सुना था I was ready कि हाँ ऐसा मैंने नहीं किया, so I really want to do this. Thank you. तू राजी रहने वाला माँ सुप्रिया मंगोचा ने trailer में response बहुत सारों में બ્યુટિફુલ પિક્ચર છે, એમાં કેન્સરની વાત છે, એકચ્યુઅલી તો ગવર્મેન્ટે એને ટેક્સ ફ્રી કરવી જોઈએ કારણ કે સ્ટોરી બહુ જ સરસ છે, મારો દાદીનો રોલ છે એમાં, અને જે એક્ટર એક્ટર લોકોના બારામાં શું કહેવા માંગો છો, કેવી પરફોર્મન્સ છે એક્ટરમાં? તો બે ત્રણને ઓળખું છું, હિરોઈન બહુ સ્માર્ટ છે, બહુ સરસ કામ કરે છે, અને છોકરાએ જે હીરો બન્યો છે એને પણ બહુ સરસ કામ કર્યું છે, કારણ કે મેં તો પ્રોમો જોયા છે, હું અમે રહું એ લોકો અમદાવાદમાં સુરતમાં બધું કરતા હોય, એટલે આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ અબાઉટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. થેન્ક યુ મેમ. ઓકે હિન્દી બોલેંગે તો જ્યાદા અચ્છા રહેગા. ઠીક હૈ. नहीं मेरे मन के बहुत करीब है ये कहानी है, जो 2016 में हमने इसको शूट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आज भी वो उतनी ही वैलिड है, तो ट्रेलर का रिस्पॉन्स देख के मुझे ये वैलिडेट हो गया है कि ये बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है, गुजराती सिनेमा के लिए अलग सब्जेक्ट है, मेरे लिए एज अ कैरेक्टर मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया, तो मैं होप करता हूँ कि दर्शक इसे देखें, इसे सवारें, इसे इसे प्रतिसाद दें,
इसे स्प्रेड करें, जैसे हमेशा होता है गुजराती फिल्मों के साथ के आपने कहिए कि आपड़ी फिल्म मानी ना आपड़े ने कहिए कि भाई आपड़ी फिल्म है चलो आपड़े आपड़े एनु प्रमोशन करिए कि आपले आपड़े एनी पब्लिसिटी करिए। मैं कितनी पण पब्लिसिटी करी छे मारा पाछळनी फिल्मों माटे कोई पण पब्लिसिटी ऑडियंस ना वर्ड ऑफ माउथ थी मोटी नथी, एटले आमा पण हूँ एज मानु छूं कि ऑडियंस नो वर्ड ऑफ माउथ सौथी महत्वनो रहेशे। અને એવી આશા રાખું છું કે પિક્ચર જોયા બાદ અને પિક્ચર જોયા દરમિયાન તમે બધા જ રાજી રહેજો। અને સ્ટોરી કો દેખ કે જિસ તરહ કા રિસ્પોન્સ મિલા હૈ જો ઇમોશનલ ભી હૈ ઓર ઇન્સ્પિરેશનલ ભી હૈ સ્ટોરી, તો ક્યા કહેના ચાહેંગે ઉસ બારે મેં કુછ કમેન્ટ્સ આયા આપકો ઓડિયન્સ સે? જી મતલબ जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था तो मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत ही एक इमोशनल जर्नी थी, बिकॉज एक कैरेक्टर जो एक फन लविंग एक स्टैंड अप कमेडियन है, सब कुछ लाइफ में उसे पड़ी नहीं है सक्सेस फेलियर की, उसे बस मतलब अपने मन की करनी है, और अचानक से एक लाइफ में एक ऐसा स्पीड ब्रेकर एक बम्प आ जाता है कि उसे बताया जाता है कि कैंसर है, और फिर उसकी जो जर्नी होती है, और हमने इसे शूट करते टाइम भी ऑलमोस्ट लीनियर शूट किया था ताकि वो प्रोसेस से मैं गुजर सकूँ जो हम गुजरे थे। काफ़ी डॉक्टरों से मेरी बातचीत हुई थी, काफ़ी हॉस्पिटल्स में मैं गया था रिसर्च के लिए, पेशेंट्स से बात किया था, तो ये दौरान जो जो ये फेज़ होता है कि आप मौत के बहुत करीब होते हो लेकिन आपके अंदर एक होप है जीने की, ये जो फेज़ है ये मतलब कोई जो गुजरा है उससे ही मैं अनुभव कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल कैरेक्टर है मैं कहूँगा। यस दिव्यांग जी, मेरा एक सवाल ये है जी, इसी तरह के जोन हमने पहले ही कहीं देखे से बहुत ही लिमिटेड जी आनंद फिल्म में देखा था जी 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 ने किया था। जी जी एक ही इंसान को दो डिफरेंट जी बहुत चैलेंजिंग होता है प्रिपरेशन। मैंने जैसे आपको बताया कि मेन प्रिपरेशन यही है कि मैं उन पेशेंट्स से मिलूं, उन लोगों से मिलूं जो इस ऐसी बीमारियों से लड़े हैं और उसमें से बाहर आए हैं, और ऐसे बाहर नहीं आए कि मतलब रोते मुंह से दवाइयां लेके डॉक्टर के भरोसे बाहर आए हैं, अपने विल पावर के दम पर बाहर आए हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला, तो उनकी स्टोरी जानकर जो मुझे उनसे जो कैरेक्टर ट्रीट्स मिले वो मैंने ट्राई किए हैं कि मैं इसमें डालूं मेरे कैरेक्टर में, और मैंने अपने आप को मतलब मैंने जब खुद फिल्म देखी तो भी मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशंस ये दुनिया ये मैंने जो किया है वो मैंने खुद से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना डूब गया था कैरेक्टर में और इतना मज़ा आ रहा था मुझे करने में कि मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है। सर सूरत में जो स्क्रीनिंग हुई उसको लेके किस तरह का रिस्पांस था? जी बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैं पूछ रहा था इनसे, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, बट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था सूरत में ऑडियंस से, तो मैं होप करता हूँ कि ये वर्ड ऑफ माउथ जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो, और कल से लेकर ही काफ़ी लोग बड़े तादाद में बड़े ग्रुप्स में परिवार फ्रेंड्स फैमिली सारे मिलके ये फिल्म देखने जाएं। तो फिल्म की जो एक्ट्रेस भी यहाँ पर है तो अगर साथ में आ जाए। या श्योर आइए मैम, आ जाओ आ जाओ। सर के बाद आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन आपसे और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वो चीज़ का प्रेशर है या फिर मतलब एक्साइटमेंट है? जी जयेश भाई जोरदार, मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी लोगों का बहुत क्लियर है कि वो थिएटर में जाएंगे तो वो लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्में देखने जाएंगे, और उन्हें जो इंटीमेट फिल्में हैं कॉन्टेंट फिल्म हैं वो उन्हें OTT पे देखनी है, तो OTT पे आने के बाद हमें इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मुझे मतलब सर्बिया से मैसेज आ रहे हैं, रशिया से मतलब UAE से USA से लंदन से, जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं वैसे लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे, और इतना ओवरवेलमिंग है हमारे लिए पूरी टीम के लिए कि इतनी ज़्यादा यू नो उसको व्यूअरशिप और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है OTT पे, तो डेफिनेटली मैं जयेश भाई जोधार के बाद मेरे खुद से अपने आप से मैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं मेरी, और ये हमने जो जबकि 2016 में हमने शूट किया था जानकी और मैंने, बट तभी भी जब शूट कर रहे थे बहुत मज़ा आया था आई गेस, और हमारी पहली फिल्म एक साथ थी और आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर, क्योंकि छेलो दिवस जब आई थी तब मैंने इनको पहली बार देखा था, एंड आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हर एक्टिंग, एंड रिसेंटली नाड़ी दोष इज ऑल्सो डन वेरी वेरी वेल फॉर हर, सो यू नो आई होप दैट ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड्स टू राजी रहे। हाँ क्या लगता है कि एक भी जिंदगी
अगर पिक्चर से बदलती है तो आप कितना सेटिस्फाइड? यार मेरा वही मानना होता है, मेरा हर काम से एक्चुअली जयेश भाई जोरदार से भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि पिक्चर का काम क्या है, एंटरटेन करना। तो पहली बात तो है कि सब लोग मतलब हंसी खुशी घर जाने चाहिए, बिकॉज आज के माहौल में 2 साल कोविड के बाद किसी को आके डिप्रेस नहीं होना है थिएटर में। तो पहले आए, अपना एंटरटेन हुए, परिवार के साथ हंसे रोए और फिर ऐसे मन भर के वापस घर गए। पहला ऑब्जेक्टिव वो है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या मतलब जो एक सीड प्लांटिंग होती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ, वो आप क्या कर रहे हो कि कहीं कॉन्वर्जेशंस में कहीं कोई अगर ऐसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, जैसे जयेश भाई जोरदार में हमने पेट्रियार्की का मुद्दा लिया था, मैस्कुलिनिटी का मुद्दा लिया था, तो काफ़ी मैंने देखा कि इंटरनेट पे मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं फिल्म का, उसमें मैस्कुलिनिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, पेट्रियार्की का एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं। तो यही एक फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी जीत है कि आपने कुछ कॉन्वर्जेशन स्पार्क कर लिए। जिंदगियाँ तो आप नहीं बदल सकते, बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी बदलने के लिए तो खुद के अंदर एक जज्बा चाहिए, बट हम एज फिल्म मेकर एज एक्टर्स कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे सिनेमा के जरिए। जानकी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दीवान के साथ? बहुत अच्छा रहा। मैंने इनकी फिल्म देखी थी बेयार के विरते जयेश, सारी फिल्में देखी थी मैंने, कि आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस टू वर्क विथ हिम और काम करके इतना अच्छा लगा, मतलब लगा ही नहीं कि मैं बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। Very humble, is very down to earth, and still he is. I mean. Divyang, as a director, क्या कहना चाहेंगे? Divyang के बारे में मैंने इतना अच्छा, मैं attend नहीं कर पाई premiere, but I was like really happy for him. मैं उनको personally call करना चाहती थी, but I'm sorry I didn't. But actually I really wanted to, because वहाँ तक पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है, और ये वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है जयेश भाई जोरदार, इतने अच्छे reviews आ रहे हैं, so congratulations for that. Really congratulations. मैडम, बात करें आप जयेश भाई जोरदार में डायरेक्शन भी कर चुके हैं, इसमें एक्टिंग कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है? जी, मेरे लिए तो स्टोरी टेलिंग बहुत मज़ेदार है, मतलब मैं अपने आप को एक टूल मानता हूँ कि कभी एक्टिंग कर ली, कभी डायरेक्शन कर लिया, कभी राइटिंग कर ली, तो कहानियाँ हैं अंदर, अगर कहानी ऐसी मिलती है जो जिसमें लगता है कि अभिनय करना है तो अभिनय कर लेंगे, जिसमें लगता है कि लिखना है तो लिख लेंगे, बिकॉज कहानियाँ मुझे लगता है कि आज के दौर में स्पेशली पोस्ट कोविड के दौर में जो हमें हमारे खुद के पर्सनल प्रेशर्स से बाहर ले आएगा वो है कहानियाँ, वो है अच्छी कहानियाँ, इंस्पिरेशनल कहानियाँ, एंटरटेनिंग कहानियाँ। तो कहानीकार के ज़रिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं किसी भी ज़रिए पूरी करूँगा, एज एन एक्टर ऑल्सो, एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, एज ए राइटर ऑल्सो, सो इट्स ऑल द सेम फॉर मी, मुझे सब करने में मज़ा आता है। देवांग, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, 2016 में आप लोगों ने फिल्म शूट की थी, तब जो है नट्टू काका थे फिल्म में, अब जो है हमारे बीच में नहीं है, कितने इमोशनल होते हैं फिल्म देखने के बाद ऑन स्क्रीन? मैंने जब सीन शूट किया था उनके साथ तो मुझे याद है कि हमने हॉस्पिटल में शूट किया था और काका वो एक ही सीन के लिए आए थे और पूरा मोहल्ला भर गया था उनके लिए, हॉस्पिटल सारा भर गया था, इतना प्यार, और वो इतना प्यार आते आते भी वो लोगों को इतना प्यार देते देते आए जब वो सेट पे आए तब, तो वो बतौर एक्टर ही नहीं बतौर इंसान इंस्पिरेशनल थे। मेरी मुलाकात एक ही बार हुई लेकिन वो मुलाकात छप गई है मेरे दिमाग में, क्योंकि एक तो उनका रोल ऐसा था कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो रोल बहुत अहम था, और जिस तरीके से उन्होंने निभाया, मतलब एक मोनोलॉग था बहुत बड़ा, वो आए उन्होंने एक बार अपनी लाइनें देखी और बिना कुछ मतलब हम लेते हैं बहुत टाइम मग अप करने के लिए, वो कुछ नहीं, उन्होंने एक बार देखी और उन्होंने सारी बोल डाली और दिल से बोल डाली, और ट्रूली जब हम एक्टिंग करते हैं तब हम वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ ढूंढते हैं, तो मैं कई बार वो ऐसे ढूंढता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कैमरा गायब हो जाता है, जब मुझे लगता नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो नट्टू काका के साथ मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ कि वो जब मुझे कुछ कह रहे थे फिल्म के अंदर तो मुझे याद नहीं है कि मेरे आसपास क्या था, मैं सिर्फ उनकी बात सुन रहा था, वो जिस मन से उन्होंने बात कही थी मुझे वो आज भी मेरे साथ रही है, और वो केवल
फिल्म में ही एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए वो लाइफ में एप्लीकेबल है कि अगर मैं उनका 2% भी वो बात जो उन्होंने कही है वो ले सकूँ मेरी ज़िंदगी में, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा और मैं उनकी ही ब्लेसिंग समझूंगा कि आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 4 साल बाद। आई थिंक नट्टू काका कहीं ऊपर हेवन से हमें ब्लेस कर रहे हैं और मैं उन्हें आज यहाँ पे अगर वो कहीं हैं तो आई वॉन्ट टू रिमेंबर हिम एंड आई वॉन्ट टू कॉल हिम हियर कि नट्टू काका आप प्लीज़ आप इन स्पिरिट आकर हमारे साथ फिल्म देखिए और यू नो उनका बहुत स्पेशल रोल है, मैं कभी नहीं भूल सकता उनको, वंडरफुल। जय मोहन बोस। नहीं मैं बिल्कुल, मेरी मातृभाषा है गुजराती, मारी मातृभाषा है और मारी मातृभाषामां हूँ एक्टिंग करतो रहीश अने डिरेक्शन राइटिंग जे होय पण मारे वधारे एक्टिंग थी मारू जे अभिनयनी कला छे ए मारे वधारे गुजराती फिल्म्समां एनो यू नो प्रदर्शन करवो छे। आई फील के हूँ थिएटरथी आव्यो छूं तो मैं घणा बधा कैरेक्टर्स कर्या छे थिएटर स्टेज उपर अने मने लागे छे के अभिनय फिल्मना अभिनयना क्षेत्रमां हजी मैं मारी रेन्ज बतावी नथी। आ एक टूर आजी इज वन स्टेप फॉरवर्ड पण मने लागे छे के बहुत छे मारा अंदर जे एक्सप्लोर करवा जेवुं छे अने मारे मारी मातृभाषामां एक्सप्लोर करवुं छे एटले डेफिनेटली गुजराती फिल्म आवशे तो हूँ जरूर करीश अने करतो रहीश। होने वाली है गुजराती सिनेमा इन दिनों काफ़ी अच्छा करें, कितने एक्साइटेड है बहुत मजा
मैंने हिंदी में बोला, मैंने वही बोला दिव्या के साथ, तो मैंने खुद फिल्म किया है चासड़ी, मेरा जो लास्ट फिल्म था वो दिव्या के साथ ही था, तो एज एन एक्टर इज सुपर एंड रश्मि जोरदार को देखी है मैंने, तो दैट्स एब्सोल्युटली अ जोरदार फिल्म, बहुत मजा आया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस थैंक यू। पहला तो एक बात करीश कि हूँ जो बोली से गुजराती में करते हैं गुजराती फिल्म से तो हमारी ऑडियंस सुधी बात पहुँचे ट्राई करी फिल्म ने जो नहीं जीवी लीधी है और हूँ पर ऑडियंस एज कहीश कि तब ऑब्वियसली आ फिल्म ने जीवशो जोशो नहीं ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જ્યારે મેં આ ફિલ્મ નક્કી કરી કે આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યો છું પૂરા જીને એનો થોટ્સ અને પ્લાનિંગ જે ટાઈપના હતા તો એનું જે કેરેક્ટર છે પાર્થ પાર્થમાં દિવ્યાંગ ઠક્કર સિવાય કદાચ કોઈ ફિટ જ નહોતું આજે પણ નહીં કાલે પણ નહીં અને આને કદાચ ફરીથી બનાવવાની થાય તો પણ દિવ્યાંગ ઠક્કર જ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને એણે અદ્ભુત કામ કર્યું છે મારી ફિલ્મની અંદર ચાલુ છે દિવ્યાંગની જગ્યા ઉપર હું કદાચ કોઈને નહીં મૂકી શકું હિન્દીમાં પણ યસ 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 દિવ્યાંગ દિવ્યાંગ ઇઝ બેસ્ટ ઓપ્શન કારણ કે એને જે કર્યું છે બહુ જ રિયલિટી બેઝ કરેલું છે અને અમે લોકોએ જ્યારે પણ આ ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે બહુ જ રિયલ રિયલ સ્ટોરીની અંદર રિયલ પેશન્ટો સાથે ડૉક્ટરો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરેલું છે અને બહુ ઓબ્ઝર્વેશન કરીને આ ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે અને દિવ્યાંગે એની ઉપર ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને હું એના માટે ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એણે આ ગુણ સ્વીકાર કર્યો અને મારી ફિલ્મને ન્યાય આપ્યો ત્યાંની સ્ક્રીનિંગનો રિસ્પોન્સ હું કહું એની કરતાં તમે ઓડિયન્સ પાસેથી લઈ શકો વધારે સારું થેન્ક યુ થેન્ક યુ પહેલે તો સબ આપકો સબકો ધન્યવાદ દિલ છે ઓર મેરા ફર્સ્ટ મૂવી હૈ ઓર સબ ટીમને મેરે કો બહુત સાથ સહકાર મિલા હૈ ઓર મીડિયા કા ભી બહુત સાથ સહકાર હૈ તો સબકો દિલ સે થેન્ક યુ બોલના ચાહતા હું ઓર અપના મૂવી તું રાજી રે ઉસકે લીએ હમ લોગોને બહુત મતલબ મહેનત કી હૈ સબને મિલકે ઓર અભી હમ કલ સે 15 જુલાઈ કો હમારા થિયેટર મેં જો મૂવી આ રહી હૈ તો સબકો મતલબ અચ્છા રિસ્પોન્સ મિલે ઓર અચ્છા સબકા આશીર્વાદ મિલે એસી હમારી પ્રાર્થના હૈ દિલ સે થેન્ક યુ થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ સર